हाय फ्रेंड्स, आज से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम 30 डेज में 30 स्टॉक्स को पूरी तरह से एनालाइज करेंगे। उसमें फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और वैल्यू इन्वेस्टिंग के एंगल से हम प्रॉपरली उसको रिसर्च करेंगे। दोस्तों, आपको ये चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि ये 30 वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। लेट्स स्टार्ट दिस फर्स्ट वीडियो, क्योंकि टाइम कम है और बहुत सारा काम है। सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं सागरनॉमिक्स। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि यहां आप सबसे पहले देखें कि आपको स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करने हैं। वैसे तो मैंने आपके लिए यहां पर एक ये स्टॉक चार्ट खोल रखा है, मतलब ये एक म्यूचुअल फंड खोल रखा है, सॉरी, पर फिर भी हमें अच्छे स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करना है। तो पोर्टफोलियो बनाने की पहली सीढ़ी तो यही होती है ना कि भाई आप सबसे पहले तो स्टॉक्स को सेलेक्ट करें, फिर उनको रिसर्च करें और फिर रिसर्च करके उसके बाद में उनमें अपनी पोजीशन बनाएं। तो कई तरीके हैं, लेकिन सबसे पहला तरीका है इसमें कि हम screener.in पर जाएं। ये वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स है जो कि आपको स्टॉक्स से रिलेटेड काफी कुछ इंफॉर्मेशन देती है। यहां जाकर के हम दोस्तों सबसे पहला काम करेंगे, स्टेप नंबर वन, वो है कि आप लॉगिन आईडी बनाइए और उसको लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। स्टेप नंबर टू, अब यहां आइए, स्क्रीन्स पे जाइए एंड क्रिएट अ न्यू स्क्रीन पर आइए। जब क्रिएट अ न्यू स्क्रीन पर आ गए दोस्तों, तो इसके बाद अपनी जो क्राइटेरिया है वो आप इसमें डालिए कि आपको किस टाइप की कंपनीज का की रिसर्च करनी है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं कि हमें ऐसी कंपनीज चाहिए जो कि बहुत बड़ी भी ना हो और मिड कैप स्पेस में हो और बहुत छोटी भी ना हो। तो मिड कैप स्पेस का मतलब हो गया वो कंपनियां जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो मान लीजिए कि 1000 करोड़ से कम है। फिर उसके बाद में हम लेते हैं कि ऐसी कंपनीज जिनके ऊपर कर्जा ना हो वो ले लीजिए आप। तो डेट टू इक्विटी रेशियो हम लोग ले लेते हैं, उसको हम कर देते हैं कि डेट शुड बी लेस देन 1.5। एंड याद रखिए यहां जो एंड और ये जो तो लॉजिक है ये फिल्टर्स है। बेसिकली आपने अगर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आप जानते हैं एंड गेट, नॉट गेट एंड और गेट, ये तीन तरीके के गेट्स होते हैं, लॉजिकल गेट्स। तो एंड का मतलब है पहली वाली कंडीशन भी और दूसरी वाली कंडीशन भी पूरी हो रही है, लेकिन अगर आप यहां पे और लगाते हैं तो इसका मतलब है या तो पहली पूरी हो जाए या दूसरी पूरी हो जाए। लेकिन क्योंकि हम 5000 स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं उनमें से अपने चॉइस के हिसाब से, तो हम यहां पर एंड का यूज करेंगे। तीसरी चीज लेते हैं दोस्तों, वो है प्राइस टू अर्निंग। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो शो करता है कि हम कंपनी जो ले रहे हैं वो कितनी महंगी है, कि उसकी प्राइस ज्यादा तेजी से भाग तो नहीं रही है, कहीं स्टॉक महंगा तो नहीं हो गया है। जैसे हमारे फेवरेट भाई साहब अडानी जी के स्टॉक्स हैं, तो अडानी जी जो है वो आपको तो पता ही है 500 का पी, 400 का पी, भैया इतने महंगे स्टॉक खरीद करके वो फिर भी लोग लाइन लगा के जा रहे हैं। वैसे ही जैसे किसी पिक्चर हॉल के बाहर लाइन लगा करके टिकट लेने के लिए मारा मारी मस्ती है और उसके बाद में पता पड़ता है कि वो मूवी तो एकदम बकवास थी, एकदम फ्लॉप थी, फिर कहते हैं ओहो इतनी मेहनत भी की, सारा पैसा बेकार हो गया। इसी तरह से यहां पर भी हाई पी का मतलब अच्छा स्टॉक होना नहीं होता है। कोई कोई अच्छे भी हो सकते हैं लेकिन सारे नहीं होते हैं। लेकिन हाई पीई का मतलब यह है कि वो स्टॉक महंगा है और हम महंगी चीजें नहीं खरीदते, महंगी चीजों को सस्ते दाम पे खरीदते हैं। तो हम रखेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेस देन 20। एंड फिर ले लेते हैं हम लोग कि और क्या लें, और मान लीजिए ले लेते हैं हम लोग हिस्टोरिकल पीई या फिर हिस्टोरिकल पीई भी ले लो। 3 साल का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो भी करीब 20 के आसपास होना चाहिए और रिटर्न ऑन इक्विटी ले लेते हैं हम लोग, रिटर्न ऑन इक्विटी ये ले लीजिए आप ग्रेटर देन 20। मतलब कि देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों में डिफरेंस क्या है कि रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स की रिटर्न है, उसको जो मिल रहा है उसकी इक्विटी में जितना रिटर्न की कंपनी कमा के दे रही है दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। इस पे हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये बड़ी लंबी कॉन्सेप्ट है, वीडियो छोटा है, इसलिए हम शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं।
इनकी सारी चीजों की डिटेल्स आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जो मैंने बना के आपके लिए फ्री में रखी हुई है, आप जाके चेक करिए, लिंक भी मैंने दे रखा है। तो अभी हम सीधा आगे चलते हैं इससे। तो अभी सिर्फ यही क्राइटेरिया रखते हैं और हम क्राइटेरिया बाद में ऐड करते रहेंगे। तो जब आपने ये कर दिया तो उसके बाद में रन दिस क्वेरी। तो आप ये देखिए, जब हमने इस क्वेरी को रन किया तो हमारे पास में कितने आ गए, 178 रिजल्ट्स आ गए। इनमें से हमें सबसे पहले यहां पर क्या करना है, ये सारे फिल्टर्स ये लगे हुए हैं यहां पर कॉलम्स बने हुए हैं, तो सबसे पहले हमें देखना है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्जर टू स्मॉलर, उसकी तरफ जाए हम लोग। तो यहां आप ये देख सकते हैं कि मार्केट कैप जो है 997 और इसमें छोटे भी आ गए होंगे, तो इसका मतलब अब हम इसको वापस से फिल्टर करते हैं। वापस से फिल्टर करने के लिए कि इसमें से छोटे जो स्टॉक्स है ना उनको बिल्कुल हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है ना, हम लोग तो मिड कैप पे टारगेट कर रहे हैं। तो यहां डाल देते हैं हम लोग दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज लेस देन 1000 एंड ग्रेटर देन से 500 करोड़, यहां लगा देते हैं हम एंड। अब देखें जरा क्या रिजल्ट आता है दोस्तों, अभी भी 31 रिजल्ट्स हमारे पास में आ गए हैं, पर फिर भी ठीक है। अब हम यहां जाकर के और मार्केट कैप पे इसको लगा के इसको फिल्टर करते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास ये सारी वो कंपनियां आ गई है जो कि हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठ रही है। तो यहां देखिए सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है इसमें, लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर ये है, फिर डीलिंक इंडिया है, फिर ये है। मुझे लगता है कि ये जो कंपनीज है ये थोड़ी सी और छोटी हो गई है, तो हम इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो क्राइटेरिया पे गए। देखिए मैं ये सब आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि डायनेमिकली आप ये चीजें होते हुए देख लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। हम कोशिश करते हैं कि मिड कैप में थोड़ा बड़ा स्पेस ले लेते हैं, तो 5000 और यहां ले लेते हैं मान लीजिए 1000। तो ये आपके पास में कंपनीज आ गई जो कि आपकी इस रेंज में है, 5000 करोड़ से नीचे का मार्केट कैप है और 1000 करोड़ से ज्यादा का। अब आपको इसमें काफी अच्छी अच्छी कंपनीज मिल जाएंगी, जैसे अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें GHCL, GHCL और इसकी देखें तो मार्केट कैप इतनी हो गई, मार्केट प्राइस 507 रुपए है। अब 52 वीक के मुकाबले में ये 15% ऊपर है इसकी प्राइस, मतलब जो लोएस्ट होता है ना 52 वीक का, उससे ये 15% ऊपर है। तो इसका मतलब इसका ब्रेकआउट होके प्राइस बढ़ना शुरू कर चुकी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी कंफर्टेबल है, 4.46 है। करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू दोस्तों ये जितनी कम उतनी अच्छी, तो ये 1.25 है विच इज 24 है विच इज ओके। डेट टू इक्विटी रेशियो हमने कहा था कि हमें ज्यादा नहीं चाहिए, तो ये सही है, 0.09 है। प्रोमोटर होल्डिंग, अब यहां ये गड़बड़ है, प्रोमोटर होल्डिंग दोस्तों अच्छी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। अब यहां पर क्या है, यहां पर 19%, इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंपनी के सारे जो कंट्रोल है वो तो बाहर वालों के हाथ में, कंपनी तो 19% यानी 19% कंट्रोलिंग पावर ही रखती है। तो यहां थोड़ा सा मेरा मूड का खराब हो गया, तो इसको मैं छोड़ दूंगा, मुझे नहीं करनी ऐसी कंपनी। पर यहां से हमें यह भी तो आइडिया मिला कि हम एक चीज और ऐड कर लेते हैं इसमें, और वो क्या है कि भैया प्रमोटर होल्डिंग जो है ना वो आपकी ग्रेटर देन 75% होनी चाहिए। अब देखें, अब हमारे पास में एक ही कंपनी निकल करके आई है, इसका मतलब यह है कि हमने थोड़ा सा इसको और रिलैक्स कर देते हैं, 50% कर देते हैं। अब देखते हैं जरा, अब हमारे पास में 39 रिजल्ट्स आए हैं, परफेक्ट। यहां पर देखें हम लोग तो अब इसमें से एक कंपनी को उठाते हैं क्योंकि बाकी की डिटेल रिसर्च तो हम आने वाले दिनों में करेंगे ही, पर अब पहली जो कंपनी हमारे पास आ रही है वो है MMTC। जरा मैं इसको क्लिक करूं, जब MMTC पर जाएंगे दोस्तों तो यहां हम देखेंगे यहां कंपनी का नाम लिखा हुआ है, यहां इसकी अभी की प्राइस है 32.10 रुपए और ये 1.3% ऊपर है। ये कंपनी की वेबसाइट है जहां से आप लिंक को क्लिक करके सीधा MMTC की वेबसाइट पे जा सकते हैं और यहां जाकर के आप इसके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड है ये कंपनी, गवर्नमेंट की ही कंपनी है, तो आपको सरकार की जो सरकारी वेबसाइट होती है वो आपको हिंदी में साफ दिख भी रही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसके बाद यहां BSE पर क्या प्राइस है इसकी वो है, और इसका जो सिंबल है वो है NSE पे, तो यहां से NSE पर भी हम लोग जा सकते हैं और जाके देख सकते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर इस कंपनी के बारे में क्या है। तो यहां पर जो डिटेल्स है वो यहां पर आप देख सकते हो, ज्यादा कुछ यहां पर दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन है, बोर्ड मीटिंग्स है,
एनुअल रिपोर्ट है, वो सब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या चेक कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों इस पे आते हैं, इस कंपनी की जो मेन चीजें हैं उनको अब रिसर्च करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको एक एक चीज बताना शुरू करता हूँ, पर मेरे ना वीडियो लंबे हो जाते हैं और वो किसी को पसंद नहीं आते, मतलब मुझे भी नहीं आते, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को शायद बाद में कंटिन्यू करें। अभी देखते हैं कितना टाइम का हो गया ये दोस्तों, ये हो गया है 10 मिनट्स का। चलो कोई नहीं, इसको शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं। मैं यहाँ जल्दी से बताता हूँ, ये है मार्केट कैप यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स, मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, मतलब एक शेयर की जो कीमत है उसको आप नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये हमने क्राइटेरिया में डाला था। करंट प्राइस 32 रुपए है, पूरे 52 वीक्स में जो मिनिमम प्राइस गई है वो 26 रुपीज गई है और हाई प्राइस गई है 45 रुपीज, यानी ये करीब करीब बीच में है। अभी 32 रुपए है यानी वो 26 और 45 दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये लाई कर रही है। तो कंपनी को आप कह सकते हो कि बहुत महंगी भी नहीं है और बहुत सस्ती भी नहीं है। बट अगर हम जाते हैं स्टॉक पीई पर तो वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज वेरी गुड 15.6, जो एकदम ठीक है। बुक वैल्यू 9.41 है। बुक वैल्यू का मतलब अगर इस कंपनी को खड़े खड़े नीलाम कर दिया जाए, सारी चीजों को बेच दिया जाए, तो हर एक शेयर होल्डर को जो पैसा मिलेगा वो बुक वैल्यू होता है। तो यानी कि आप कुछ भी नहीं करें और कंपनी लिक्विडेट हो गई तो भी जिसने 32 रुपए में स्टॉक को खरीदा है उसको 9.41 रुपए मिल जाएंगे एक शेयर के। हालांकि ऐसा होगा नहीं, डिविडेंड यील्ड बिल्कुल नहीं दे रही है डिविडेंड। अब क्यों नहीं दे रही है ये सारी बातें हम लोग गहराई में जाके देखेंगे। फेस वैल्यू 1 रुपए का एक शेयर है इसका। अच्छा कंपनी करती क्या है ये भी देख लेते हैं एक बार जरा। देखो ये कंपनी के बारे में अबाउट है कि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और ये 1963 में फॉरेन ट्रेड इन इंडिया एंड कैनलाइज द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ एसेंशियल मिनरल्स एंड मेटल्स। अब वैसे तो ये जानी पहचानी कंपनी है, MMTC बहुत बड़ा नाम भी है इसका, लेकिन ये इस कंपनी के बारे में आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ में इस कंपनी के की पॉइंट्स क्या क्या है कि कौन से बिजनेस वर्टिकल्स में काम करती है तो वो आप देख सकते हो यहाँ से। यानी आप देखो तो एग्रो प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स हैं इसके, इसकी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। नीचे जब देखेंगे तो यहाँ पर और बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियोज और डिटेल्स है, जैसे प्राइस टू बुक वैल्यू 3.43 हो गया आपका, विच इज काइंड ऑफ अ लिटिल एक्सपेंसिव, थोड़ी महंगी है, बट चलो देखते हैं बाकी सारी चीजें। और डेट टू नेट करंट एसेट्स हो गया 0.19। इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे जब हम इसको गहराई से स्टडी करेंगे। अभी के लिए हम फिलहाल ये देख सकते हैं कि अगर हम ये इस कंपनी का चार्ट आ गया है, इस चार्ट में आप ये देखो तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि आप इसमें टाइम होराइजन चेंज कर लीजिए। ये एक साल की प्राइस मूवमेंट है, आप इसको मैक्सिमम पे ले जाइए तो मैक्सिमम पे जाएंगे तो आप देखेंगे 2013 के बाद ये कंपनी गिर गई है, मतलब कि मर गई है। कहां इसका स्टॉक चलता था दोस्तों, कितना, यहां जाके देखिए 1100 रुपए और यहां कितना रह गया 29 रुपए। इसीलिए मैं कहता हूं, या मतलब अभी 32 रुपए, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो शेयर मार्केट है ना उसके अंदर जो लोगों की चिकनी चुपड़ी बातें हैं ना उनमें जाकर के अपना टाइम खराब मत करिए, दिमाग लगाइए, रिसर्च कीजिए। और अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो आपके दोस्त के तौर पे मैं आपके साथ में हूं ना, पर मुझे ना एक लव एंड डांट सेक्शन शुरू करना पड़ता है और सबके लिए रखना पड़ता है। लव यह है कि आप लोग बहुत अच्छे से सारी चीजें सीखें और बहुत सारा पैसा कमाएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। डांट यह है कि आप लोग दूसरों की न्यूज में फंसेंगे, टिप्स लेंगे इधर उधर की, और कई मेरे दोस्त तो उधार पे पैसा ले लेकर के बिजनेस इसमें लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, कई फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर बनने के लिए तैयार है। भैया मत करो ऐसा, अपनी जॉब करो, अपना बिजनेस करो, और इन्वेस्टमेंट को कैसे हैंडल करना है वो धीरे धीरे वीडियोस देख के, अच्छे वीडियोस देख के सीखते रहो और उसको अप्लाई करते रहो। ये एक ऐसी जर्नी है जो लगातार जिंदगी भर चलती है और इसमें रोज हम इंप्रूव करते रहते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके पास में टाइम नहीं है और आप बहुत बिजी हैं काम में, तो आपके लिए एक बड़ा अच्छा और बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन मैंने तैयार किया हुआ है। वो एक 2 घंटे का मास्टर क्लास है जिसमें आप जाकर के सीधा आसानी से ऑटो पायलट पे अपना पोर्टफोलियो बना के छोड़ सकते हैं। अपने आप स्टॉक मार्केट के जो बड़े बड़े गुरु बैठे हैं ना, उनसे अच्छा रिटर्न 10 साल के टाइम पीरियड पर आपको उनके बराबर या उनसे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। गारंटी नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से सैकड़ों सालों की जो रिसर्च जो लोगों ने की है स्टॉक मार्केट पे, और ये उस पर आधारित डेटा के बेसिस पे, रिसर्च के बेसिस पे मैं आपको कह रहा हूं। दूसरा कि इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, एक साल भर में आपको सिर्फ 2 दिन देने हैं मैक्सिमम,
उसके अलावा ये अपने आप अच्छा पैसा आपको कमा करके देगा बैंक में, एफडी में, इनमें सड़ाने से अच्छा है पैसे को कि उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करो। उसके लिए आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चेक करिए, सीधा जाइए वहां पे ज्वाइन करिए मास्टर क्लास। चलो ये तो एक चीज हो गई, दूसरी चीज पे आते हैं। अब यहां जो बात है दोस्तों, मैं ये जो कह रहा था कि स्टॉक मार्केट में उधार लेकर के पैसा नहीं लगाना चाहिए, दूसरी चीज ये कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, और तीसरी चीज ये है कि हमारे वीडियो पर हम वापस चलते हैं और हम ये देखते हैं कि स्क्रीन पे चल के कि हम जो MMTC की स्टडी कर रहे थे उसका क्या हाल है। चलिए अब आप ये जो देख रहे हो ना, ये 32 रुपए आ गया 1100 रुपए से, तो इसने कितना वैल्यू क्रश कर दिया वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। 1100 में से डिवाइड कर दो, 32 डिवाइडेड बाई 1100 आपके पास में आ जाएगा कितना इसने वैल्यू को खत्म कर दिया है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कंपनी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। ये AI जनरेटेड है तो उसमें कोई आपको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है नहीं इसमें कि क्या अच्छा क्या बुरा है इस कंपनी का, नजर मार लेना। पीयर कंपैरिजन, अगर इसी इंडस्ट्री में इसके बाकी सारे लोगों को देखो तो आप देख सकते हो कि इसकी स्थिति क्या है, कि अडानी एंटरप्राइजेस जो है उसकी मार्केट कैप इतनी बड़ी है, उसके मुकाबले में इसकी काफी कम है। इनका पी अप ये मतलब ये अप जो है वो है आपका 136, यानी ये पिछले साल का जो 52 वीक्स का जो लो था उससे 136% ऊपर है, जबकि MMTC सिर्फ 22% ऊपर है। यहाँ अडानी एंटरप्राइजेस के मुकाबले में तो ये सस्ती है, क्योंकि ये भाई साहब 102 रुपए लेके बैठे हुए हैं। देखो आप 102 पी 102, भाई क्या हो रहा है ये? इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 रुपया अगर कंपनी कमाती है, कितना कमाती है 1 रुपया, उस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए आप 102 रुपए दे रहे हो साहब, समझ रहे हो आप? 1 रुपए की कमाई के लिए आप 102 रुपए दे रहे हो। तो क्या आप ऐसा करोगे कि बाजार में अगर कोई शर्ट आपको 100 रुपए की मिलती है तो आप उसको 10,200 रुपए में खरीदोगे क्या? नहीं ना, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी वो शर्ट है, चाहे उसमें पता नहीं सोने मतलब कोई बहुत अच्छे एक्सपेंसिव बटन लगे हुए हैं, चाहे कुछ भी। तो यहां आपको देखना चाहिए कि महंगी चीजों से थोड़ा बच के रहें। नेक्स्ट है ये करंट मार्केट प्राइस बाई बुक वैल्यू, तो इस हिसाब से MMTC थोड़ी कंफर्टेबल है, ये बहुत महंगी है। डेट इक्विटी, इनका डेट बहुत ज्यादा है, आप देखो इन पे कर्जा है 1.61, यानी शेयर होल्डर से इन्होंने अगर 100 रुपए लिए हैं तो इन्होंने बैंक लोन से 161 रुपए लिए हुए हैं, और बाकी सारे जो डेटा है उनको भी आप इसमें चेक कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स को, तो आप उसमें देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा शॉर्ट में रख रहा हूँ, बाकी वीडियोज में अपन और डिटेल में बात करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर इसको कितना प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ देखो तो आप, ये महान कंपनी है जी, यहाँ से -111 करोड़ का लॉस हुआ है, फिर 18 करोड़ का लॉस हुआ है, फिर 42 करोड़ का लॉस हुआ है, 292 करोड़ का लॉस हुआ है। अच्छा 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 लॉस ही होता जा रहा है। तो ये सरकारी कंपनी है और इससे लॉस मेकिंग है, तभी आप ये देखो इसका हाल, ये जो आप ये हाल देख रहे हो ना, 2013 के बाद में ये कंपनी की पूरी बैंड बजी हुई है। तो वो इसलिए बजी हुई है क्योंकि 2013 के बाद में कंपनी ने ना कुछ पैसा वैसा नहीं कमाया। आप ये देखिए 2012 के बाद में इसमें लॉस ही लॉस है नॉन स्टॉप, ये कंपनी घाटा खा रही है टोटल, और हम जैसे टैक्स पेयर का पैसा ऐसी कंपनीज में लग रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। सो ऐसी कंपनी में जो लगातार घाटा बनाती है उसको इन्वेस्ट करने से फायदा नहीं है। सो मेरी राय क्या है, मेरी राय यह है कि टेक्निकल एनालिसिस वगैरह बाद में देखना, सबसे पहले तो इस कंपनी को ड्रॉप कर दो अगर आपके पोर्टफोलियो में, तो इसको तिलांजलि दे दो आप, ये किसी लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा सकती है वो कंपनी और क्या देगी आपको, कितनी भी सस्ती हो कितनी भी अच्छी हो। लेकिन पहली चीज है कि एक बिजनेस का पहला उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना, और अगर मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं तो फिर कंपनी में मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन इस एनालिसिस के तरीके से आपको ये समझ में जरूर आया होगा कि कंपनियों को एनालाइज कैसे करते हैं। दोस्तों 10-12 मिनट में ना, 10-12 घंटे के कंटेंट को शामिल करना पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी इसमें काफी कमियां रह गई होगी, तो उन्हें अपना भाई समझ करके, आप गुरु समझ के आप उन्हें क्षमा करिए, और इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को ऑन नहीं किया, अरे भाई मेरी 30 वीडियोज की जो सीरीज है वो कैसे मिलेगी आपको? तो पहले रोको वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करो, और दूसरा इस वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो आप इसको लाइक जरूर करिए, मेरा भी ऐसा सीना चौड़ा हो जाएगा कि मेरे मित्रों ने कुछ लाइक किया। और दोस्तों ये बहुत सारे दोस्तों के आपके काम आ सकती है, रिश्तेदारों के, ऐसी इस टाइप की जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो,
तो उन सबको शेयर करिए, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां भी संभव हो। इसको जितना ज्यादा फैलाएंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि यूट्यूब उसके हिसाब से ही फिर इसको रैंक करता है। सो दोस्तों, बस मैं आज के लिए इतना ही कहूंगा, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और टेक केयर। जय हिंद।